गुड मॉर्निंग कमांडो, क्या हाल चाल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का वो टॉपिक जहां तक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 6.2 में आपको जो फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल बताए थे वो उस पर आधारित आपको है, मतलब कि फॉर्मूला डेरिवेशन जो बताए थे, साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स होता बताए थे, तो इसको बेसिक फंडा से कैसे बनाते हैं उस पर फॉर्मूला के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर आपको बनाना है। एक दो क्वेश्चंस को आज फिर रिमाइंड कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इस चैप्टर को होल्ड एंड सोल आप बनाएं, जितने भी क्वेश्चन है सबको बनाना है। फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर अगर हम लोग एक क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन है आपको 4 का 2 नंबर, रूट एक्स दिया हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा है रूट एक्स का डी सी क्या होता है, रूट एक्स का डी सी होता है 1/2√x। हम लोगों ने x^n के फॉर्मूला के आधार पर इसका डेरिवेशन किए थे, लेकिन आज इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर कैसे बनाते हैं सो बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना, वो लैंग्वेज लिखना है। वो लैंग्वेज होता है x में डेल x एवं y में डेल y का वृद्धि करने पर जहां डेल x एवं डेल y दोनों ही बहुत छोटी धनात्मक राशि है, पॉजिटिव राशि है, यानी y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस डेल एक्स। डेल एक्स को वहां पर प्लस में लिखना जहां x है, चाहे वह x कितना अंदर में है इसे कोई मतलब नहीं है, जहां x है उसी में x प्लस करना है और जहां y है वहां y प्लस करना है। हमें डेल वाई यहां से निकालना है तो ये वाई उधर जाएगा, तो रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई होगा। वाई का अपना वैल्यू कितना, वाई का अपना वैल्यू है रूट एक्स, तो यहां बगल में लिखेंगे। दोनों तरफ क्या करना है, हमें डेल एक्स से डिवाइड करना है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन डेल एक्स, और दोनों ही तरफ लिमिट्स लेना है। लिमिट जबकि डेल एक्स टेंड्स कर रहा है जीरो के तरफ, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इधर भी लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो हमने दोनों तरफ लगाया, तो ये जो बाई तरफ का आप देख रहे हैं ये टर्म, यही होता है डी वाई बाई डी एक्स। डेल वाई और डेल एक्स का रेशियो जब डेल एक्स टेंड्स कर रहा है जीरो के तरफ, इसी टर्म को बोलते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स। दाई तरफ का जो टर्म है लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसको हमें मेनली सॉल्व करना है। तो इसमें जो ऊपर में रूट के बीच में माइनस है, इसके कंजुगेट से हमें ऊपर नीचे गुणा भाग करना है, यानी कि रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रूट एक्स बाय डेल एक्स, ये टर्म तो है ही, तो इसके कंजुगेट से रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रूट एक्स से ऊपर और रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रूट एक्स से नीचे हमें गुणा भाग करना है। ऊपर में हो जाएगा ये फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से भी रूट हट जाएगा। नीचे का टर्म ये डेल एक्स, और ये आपको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रूट एक्स रहेगा ही, तो ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल होगा। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये डेल एक्स जब कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ऊपर में वन और नीचे रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रूट एक्स आपको है, ये नीचे का टर्म है। अब अगर इसका लिमिट्स लें तो डेल एक्स का वैल्यू अगर जीरो कर दें तो यहाँ पर रूट एक्स बचेगा और बगल में भी यहाँ पर आपको रूट एक्स बच रहा है, तो ये हो गया 1/2√x। तो आपको ध्यान होगा कि रूट एक्स का डी सी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें तो ये आपको कॉस स्क्वायर एक्स का बोल रहा है डी सी निकालिए फर्स्ट प्रिंसिपल से। रूल अप्लाई करेंगे, लैंग्वेज वही लिखना है कि इंक्रीज डेल एक्स इन एक्स एंड डेल वाई इन वाई, वेयर डेल एक्स एंड डेल वाई बोथ आर वेरी वेरी
स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी एक्स में डेल एक्स का वृद्धि करना है और वाई में डेल वाई का वृद्धि करना है, जहां डेल एक्स और डेल वाई बहुत ही छोटी धनात्मक राशि है, यानी कि वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। जहां एक्स था वहां एक्स में इंक्रीमेंट किए, जहां पर वाई था वहां वाई में इंक्रीमेंट किए। अगर यहां से डेल वाई निकालें तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई होगा, ये वाई आपको उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस y का वैल्यू ऊपर से यहां पर डाल देते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स तो है ही, y का वैल्यू भी ऊपर से डाल दिए। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, डेल एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। और दोनों तरफ हमें लिमिट लेना है जब डेल एक्स टेंस टू जीरो हो, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इधर भी लिमिट लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो ऊपर में इसे अब तोड़ना है, ये चीज़ तो आपको हो गया कि यही डीओ बाई डी एक्स है, बायां तरफ का ये टर्म जो होता है यही आपको डीओ बाई डी एक्स होता है, तो ये आपको डीओ बाई डी एक्स हो गया। इसका मेन काम करना है दाई तरफ, यानी लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर में इसे पहले हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ लेना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये होगी आपको a प्लस बी, और फिर हो जाएगा बगल में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे में तो आपको डेल एक्स है ही। ये कॉस स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि टोटल का ना स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर एक्स का क्या मतलब हुआ कि कॉस एक्स का स्क्वायर है, समझिए स्क्वायर बाहर में है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये टर्म आपको अनडिफाइन नहीं करेगा, लेकिन ये टर्म अनडिफाइन करेगा, इसीलिए इसमें लगाते हैं फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां पे कॉस सी माइनस कॉस डी का लगाते हैं फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, उल्टा होता है, एक्स में से इसको घटाएंगे, एक्स माइनस डेल एक्स बाई टू हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी, इसमें से घटाएंगे तो दोनों माइनस हो गया और नीचे में टू है ही, और सबके नीचे में आपको डेल एक्स रहेगा ही। अब अगर स्टेप को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस कॉस एक्स है ही, टू साइन एक्स प्लस एक्स हो जाएगा टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू, यहाँ पर ये एक्स एक्स कट जाएगा तो साइन माइनस डेल एक्स बाई टू बचेगा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन डेल एक्स बाई टू हो जाएगा, और नीचे में तो ये डेल एक्स आपको रहेगा ही। अब इसको अरेंज करते हैं कैसे, सो देखिए, ये आपको कॉस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस कॉस एक्स आपको है ही, टू साइन टू से डिवाइड करेंगे एक्स, टू से डिवाइड करेंगे डेल एक्स बाई टू होगा, और इस डेल एक्स को इसमें जो है डिवाइड करके लिखते हैं साइन डेल एक्स बाई टू बाई डेल एक्स, ये जो माइनस है इस माइनस को आप आगे में लिख सकते हैं। तो इसमें लिमिट्स का रूल लगाते हैं, इसमें लिमिट्स का रूल कैसे लगाएंगे कि साइन के एंगल में डेल एक्स बाई टू है तो यहाँ अगर डेल एक्स बाई टू लिखते हैं तो ऊपर में वन बाई टू लिखना पड़ेगा,
ताकि ये 1/2 और ये 1/2 कट जाएगा तो डेल एक्स आपको बच जाएगा। तो इस पूरे का लिमिटिंग वैल्यू हो गया 1, इस पूरे का लिमिटिंग वैल्यू होगा 1। तो अब अगर लिमिट्स लेते हैं इसका तो सो देखिए माइनस रहेगा, डेल एक्स का वैल्यू 0 तो यहाँ कॉस एक्स बचेगा, यहाँ बगल में आपको कॉस एक्स है ही, 2 साइन, अगर डेल एक्स का वैल्यू 0 तो यहाँ पर साइन एक्स बचेगा, और इस पूरे का वैल्यू हो गया 1 और बगल में आपको 1/2 है, तो ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -2 कॉस एक्स आपको कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 2 कॉस एक्स ना होगा, और बगल में यहाँ पे साइन एक्स है ही, तो आपको फाइनल आंसर जो है यही हो जाएगा -2 कॉस एक्स साइन एक्स। अगर चाहते हैं इसको फॉर्मूला पर हम तोड़ें तो ये जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, अगर इस साइन को पहले और कॉस को बाद में लिखें तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको आप साइन 2x करके भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं -sin 2x, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अलजेब्रा का और कुछ ट्रिगो का दोनों का रूल बता दिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे बनाया जाता है। तो आप लोगों का आज का काम रहा कि 26.2 के जितने भी क्वेश्चंस है उस सभी को आप फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर बनाएंगे। ये एक बेसिक फंडाज है जो कि आपके फर्स्ट प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।